Click on subscribe button. Press the bell icon for more updates. हे तो कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन से इंस्टाग्राम के पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं और अच्छे प्रीमियम फिल्टर लगा सकते हैं। उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सॉरी दो ऐप की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है पिक्सआर्ट एंड व्हिस्काकैम। ये जो दोनों ऐप है इसका आपको काम पड़ेगा। तो व्हिस्काकैम पर इसमें आपको बेस्ट प्रोवाइड एंड प्रीमियम फिल्टर्स मिलते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहीं से जाकर डाउनलोड करिएगा। क्योंकि इसमें आपको मोडेड ऐप मिलेगा, उसमें सभी फिल्टर्स ओपन होंगे, मतलब पहले से ही डाउनलोडेड होंगे। इसमें आपको कोई भी पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप इसे लिंक से ही डाउनलोड करिएगा। और ये पिक्सआर्ट है जिससे आपको कुछ फिल्टर भी मिलते हैं, बट लेकिन इससे मैं एक अदर क्रॉपिंग का काम करूँगा, जिसमें मैं आपको आगे चलते वीडियो में बताऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा ऐप है और ये इंस्टाग्राम का ऐप है। तो चाहिए आइए हम इसका टाइम को ओपन करते हैं। और ये जो बीच वाला बटन है कैमरा टाइप का, इस पर टैप करना आपको, और यहाँ प्लस का आइकन है, इस पर टैप करना। और कोई भी आप फोटो इम्पोर्ट कर लीजिए, जैसे मैं कोई भी आगे में जो फोटो है मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। डबल टैप करने के लिए इंपोर्ट हो जाती है, तो आप इसे इंपोर्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, ये सेटिंग का आइकन पे क्लिक करिए आप। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर्स दिख जाएगा, आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे फिल्टर जो पहले से ही डाउनलोडेड होते हैं, और ये प्रीमियम फिल्टर होते हैं क्योंकि इसमें पेड होता है। अगर आप मोडेड ऐप नहीं यूज़ करते हैं तो इसमें आपको फिल्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे देना पड़ेंगे। बट आप ये मोडेड ऐप इससे डाउनलोड करिएगा तो आपको प्रीमियम फिल्टर्स फ्री में मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारा फिल्टर आप कोई भी पसंद करके लगा सकते हैं, बट मैं कोई एक फ़िल्टर लगा सकता हूँ। मैं आपको सभी फिल्टर सबसे चेक चेक करके बता दूँगा, कोई फ़िल्टर जो अच्छा लगेगा मुझे मैं वो लगा लूँगा। तो जैसे जिस H6 भी कुछ अच्छा लग रहा है, और ये जो मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, और यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहा होगा, सिंपल से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और गैलरी टू सेव कर देना, सेव टू गैलरी कर देना। तो आप इसे सेव करने के बाद बैक आना आपको, और एक पिक्सआर्ट लगाना है। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद आपको ये जो फोटो आगे में दिख रहा होगा, आप इसे ओपन कर लीजिए। और आपको यहाँ पे फिल्टर भी मिलते हैं, बट मैं आपको एक क्रॉपिंग का सिस्टम बताऊँगा। जो टूल दिख रहा है उसके बारे में आपको क्रॉप पे क्लिक करना है, और ये जो 16:9 का रेशियो है इसे सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रॉप कर लेना अपने हिसाब से, जितना आप चाहते हैं तो उतना आप कट कर लीजिए। और कट करने के बाद आप इसे स्क्वायर पिक पे ले जाइए, ये एक टूल है। और यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, कलर पे टैप करना है, और बस आपको टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली सेव कर देना है, और ये शेयर बटन पे टैप करना और गैलरी में सेव कर देना है। अब आपका ये फोटो रेडी हो गया, अब आप इंस्टाग्राम पे जा सकते इसे पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना इंटरनेट ऑन करके इंस्टाग्राम पे चलता हूँ, और यहाँ पे आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्रॉपिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि पहले आप अगर आप अपलोड करते थे तो यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन आता था, बट ये अब नहीं आता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं मिलता हूँ ऐसे एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक लीजिए हम वंदे मातरम और धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं ऐसे ही सही कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करते रहता हूँ, और आप जैसे कि देख सकते होंगे कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटोज़, कुछ मैंने अपने शॉर्ट्स लिए हुए हैं, और ये कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटो मैं अपलोड करते रहता हूँ। प्लीज़ अपने इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। पीस आउट।